मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी ने कवर कर लिया होगा, एमसीक्यूज भी पढ़ लिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन दिमाग में होगा कि पता नहीं क्वेश्चंस यहाँ से फंसेंगे या फिर नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर एक बार आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, तो पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन होते ही नहीं है। लेकिन एग्जाम हाईकोर्ट आर ओ यारो और अलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ यारो का और यूपीपीसीएस आर ओ यारो का एग्जामिनेशन इतना ज़्यादा करीब है, सिर्फ एक महीने, क्या पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन इधर उधर जो भटक के जो एमसीक्यूज को कवर किए जा रहे हैं, उससे बेहतर अगर स्पेक्ट्रम के जो बैक साइड है उसके चार्ट को आप पढ़ लेते हैं। टोटल 15 चार्ट स्पेक्ट्रम के बैक साइड में है। इस चार्ट में पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया गया है। अगर आपके पास समय कम है, मॉडर्न हिस्ट्री आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो सिर्फ इस 15 चार्ट को अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपका तैयार हो जाएगा। इस 15 चैप्टर में जितने भी चार्ट है, उस चार्ट की मैं बात करूँ तो जितने भी आंदोलन हुए उससे संबंधित व्यक्ति, भारत के समाचार पत्र और जनरल्स, भारत में संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया हुई थी, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय की महत्वपूर्ण घटनाएं, उनसे संबंधित उनके शासनकाल की जो घटनाएं हैं वो एक चार्ट में आपके कवर हो जाएंगे। भारत, आधुनिक भारत के प्रसिद्ध अभियोग और केस हैं वो एक चार्ट में आपके कवर हो जाएंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी के मध्य तक हुआ था, वो आपको एक चार्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आपके ये टॉपिक कवर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन एक चार्ट में दिए हुए हैं, वो आपके एक चार्ट के जरिए कवर हो जाएगा। जाति आंदोलन, कृषक आंदोलन, ब्रिटिश शासनकाल के जो प्रमुख कानून थे वो एक चार्ट में आपको मिलेगा। ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख शिष्टमंडल वो आपको एक चार्ट में मिलेगा। ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार वो आपको एक चार्ट में मिलेगा। आधुनिक भारत में अकाल, आयोग और समितियां जो है वो एक चार्ट में आपके कवर हो जाएंगे। और 15 चैप्टर ब्रिटिश शासनकाल में अर्थव्यवस्था और वित्त संबंधी आयोग और समितियां जो है वो एक चार्ट में आपका कवर हो जाएगा। तो अब आप सोचिए कि ये जो 15 चार्ट है, इस 15 चार्ट से आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा। डायरेक्टली इस चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चार्ट से बाहर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। चाहे आप यूपीपीसीएस आर ओ आर ओ का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे हाईकोर्ट आर ओ आर ओ के लिए, बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन इस चार्ट से पूछे जाते हैं, तो बीपीएससी के लिए भी ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक को आप परचेस कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत करीब है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको तैयार करना है। और सिर्फ तैयार ही नहीं करना है, पूरे कॉन्फिडेंटली आपको ये सोचना है कि मतलब मेरा तैयार हो चुका है। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ के आप ये सोचें कि पता नहीं मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से फंसेगा कि नहीं फंसेगा। लेकिन अगर स्पेक्ट्रम की बैक साइड के आप चार्ट को कवर कर लेते हैं, तो ये कन्फर्म है, ये मेरी गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से आपको मिलेगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन होते नहीं है। कम समय है, इस बुक को परचेस करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, जहाँ से आप जा करके इसको डायरेक्टली वहाँ पे ले सकते हैं, और पूरे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे देखनी है वो देख सकते हैं वहाँ पे जा करके। और बहुत कम समय में इसको, मॉडर्न हिस्ट्री को आप तैयार कर सकते हैं सिर्फ इस चार्ट के ज़रिए से। तो इधर उधर के जो चीज़ों से भटकने से अच्छा है कि आप इस बुक को परचेस करिए, बैक साइड के जो चार्ट है उस चार्ट को पढ़ लीजिए, पूरी तरीके से आपका मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा सभी एग्जामिनेशंस के लिए।